साले आओगे तो बात चला करके तू और यहाँ आ गया बात चला करके और यहाँ आ गया तक शायद है तुमको जो ज्यादा हुआ लाल पीली जो आंखें इरादा जानना चाहते हो? हाँ, क्या इरादा लेके आए हो? आपको मालूम होना चाहे जिस लड़की की तरफ देख रहे हो वो तुम्हारे गांव की और हमारे गांव की है। अच्छा, हाँ, तुमको शर्म नहीं आई नागेश्वर? हमें लगता है रिश्ते में क्या तुम्हारी कोई बहन वहन है क्या? बहन लगे तुम्हारी ठाकुर नागेश्वर? आपको मालूम होना चाहिए कि सभी रिश्ते भाई और बहन के नहीं होते हैं, और कुछ रिश्ते इंसानियत के होते हैं। हाँ, जो आप इंसान बन करके आए हो। हाँ, तुम्हें साथ नहीं मालूम है? अच्छा, सूरज पाल जात के तुम गडरिया हो ना। हाँ, इसीलिए ज्यादा भेड़ी बेच करके यहाँ पे आए हो। बोली पे गोली चल जाएगी। अच्छा, हाँ, सूरज पाल अगर तुम इसकी इज्जत बचाने के लिए आए हो। हाँ, और हम इसकी इज्जत को लीला करने के लिए आए हो। जब तक रहेगी जान में जान तब तक जान लुटाऊंगा, और तुम्हारे जैसे दरिंदों को अपना जान नहीं बचाना है। से फट जाएंगी। तुम्हें शायद नहीं मालूम है इस लड़की के ऊपर हमारा दिल आकर्षित हो गया है। मुझ संभाल के बात करो ठाकुर। अगर सर नहीं मिली तो यहाँ देख कुछ भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। देखता हूँ कौन किसकी जान लेता है, देखता हूँ तुम्हारे कितनी गोलियां पिस्टल में भरी हुई। ये बात है सूरत पाल। हाँ, आखिरी है वक्त तुम्हारा लव लगाओ करता। अच्छा, आखिरी है वक्त तुम्हारा लव लगाओ करता से अब रूठने वाला तना है तुम्हारा। नागेश्वर मालिक ऐस करो अब पानी भोजन निकल ले। चल निकलो ए नागेश्वर। भैया सूरज। भैया नागेश्वर हमारी मान ले ठाकुर साहब मारे बहुत बात बोली। चमचे पहले उतार साले इसका चश्मा और उतार इसके मान ले। ए नागेश्वर ध्यान से देख
सर भैया मेरी बात सुन पहले उसके बाद में भैया नागेश्वर और सताया तू नहीं से और सताया तू नहीं से और हम तुझे सता बंटा अब करो चले प्यार मारो ना बिटिया बंटा मारो ना बिटिया हमारी बहन आए तुम हमारी चिड़ैया हो चांदी के चमचे स्टील के पहले साले जूता लेकर के आओ हाँ अहो गयो तो तुम क्या चलो मिलोड़े की डाल दे तोरी बहन की बुद्ध जब तुमसे कहे रहा ना हम जब ते पुरन मासी हम बाउस नहा लगे ना भैया तब ते हमका लौड़िया बिटियावा सूट नहीं करती है और तुम तुम्हारी बहन की बुद्ध और खताई माफी करो और खताई माफी करो और अपराधी जो हमारा भैया हमका माफ कर दो तुम्हारे पाए छूले कहीं सार भैया हमका माफ कर दो
वाह छुओ पानी बिटिया छुओ पानी तुम बड़ी दयालु हो आमा भैया समय खड़े हो जाओ अरे भैया तुम्हें अरे भैया तुम्हें बड़े दयालु भैया खे पापा हम कई मरीगा पाए छुए उठाए फिरा का बीसीआर देख सरिता आप सूरज बोलो अगर जो आज सही समय से तुम नहीं आते अच्छे तो न जाने ये हराम दादा हमारे साथ में क्या करता आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपके खानदान का नमक खाया हूँ नमक हरा में नहीं नमक अदा करके ही रहूंगा सच कहती हूँ सूरज हाँ बोलो क्या आज नहीं जब से मैं जानने वाली हुई हूँ हाँ हाँ तब से आप मेरे पिताजी की वहाँ ड्यूटी करते हो सच कहती हो लेकिन सूरज बोलो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी कभी ये हमने नहीं सोचा कि आप मेरे नौकर हो बल्कि हाँ हमेशा सोचा कि आप मेरे एक सदस्य हो सदस्य तो सही सरता सोचा ये तो आपका बड़प्पन है जो हमको इतना बड़ा आप सम्मान दिया लेकिन सूरज आज काफी दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी बोलो क्या कहना चाहती थी शायद ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला हाँ हाँ जो आपसे वो बात कहूँ बोलो क्या कहना चाहती हो सरता आज भगवान ने ये सब काम देखा हाँ। हो सकता होता तो मेरी जान ही चली जाती मेरी इज्जत चली जाती अच्छे तो आप आकर के मेरी इज्जत को बचाया हाँ हाँ बल्कि मेरे करियर को बर्बाद होने से बचा लिया इसीलिए जो मैं आपसे कुछ कहना चाहती सरिता यह तो मेरा फर्ज था और फर्ज और धर्म और कर्म सबसे अच्छे वही होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं सच कहते हुए जानती हूँ सूरज बोलो आज कौन सी बात है जो कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हो सूरज आज नहीं जब से बचपन से मैं तुम्हें देख रही हूँ हाँ हाँ तब से समझो क्या तब ते अरे बोलो सरिता साफ साफ शब्दों में कहो समझो क्योंकि हमें देवरिया तहसील को जाना है अरे जब से तुम्हें बचपन से देख रही हूँ ना अरे क्या देख रही हो तब से बताओ तो क्या देख रही हूँ तब से तुम तो हुईगा क्या वहाँ क्या वहाँ क्या हुईगा क्या हो गया प्यार हो गया ए सरता बदतमीजी की हद होती है लेकिन तुम बदतमीजी मत करो और हमें जाने दो चलो तुमको छोड़ देते इसमें कौन सी मैंने बदतमीजी वाली बात कर दी के बताओ इसमें कौन सी बदतमीजी वाली बात कर दी अरे मैंने बचपन से चाहे किसी को तो सिर्फ तुम्हें चाहा है और अच्छा इसमें बदतमीजी वाली बात देखो सूरज बोलो काफी समय ना लगा के हाँ हाँ। भी ट्रेनिंग के लिए जाना है हाँ हाँ। मान जाओ मैं नहीं मानूंगा मान जाओ मैं नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा मान जाओ तो नदी लग चले मैं नमक के साथ कतारी नहीं करूंगा नहीं करूंगा वारे तुम्हारा नमक हमारे यहाँ सब बर्फ का सिल्ला पिघला जाते निकल नमक ऊपर ही सरिता जी आप मेरे मालिक के बेटी हो और सरिता जी आप इतना उपकारों में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे गंदे शब्द मुझ पे उच्चार मत करो एक काम करो क्या पहली बात तो तुम हमारे सामने मालिक के नाम में छोड़ दो ठीक है ये मंजूर है सिर्फ जो सरिता जी कह रहे हो और क्या कहूँ ये जी हटाओ खाली सरिता रखो ठीक है मैं सरिता कहूँगा प्यार से नहीं कहो सरिता और प्यार से सरिता और प्यार से बहुत नीक लगे
देखो या कदें कहो या कदें कहो प्यार से ना या कदें सरिता सरिता तुम बदतमीजी से बाज नहीं आओगी और मैं चलता हूँ। ए बोलो मान जा यार। नहीं मानूंगा। अरे मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। इस मौसम का मजा मैं तुम्हारी बाहों में उठाना चाहती हूँ। अच्छा मान जा मेरे यार दुल्हा। नहीं मानूंगा। नहीं मोरे भतार। नहीं मानूंगा। मन ए बोलो सूरज और आओ हंस के गले से तुम्हारे साथ में पढ़ा लिखा और तुम्हारे घर की सेवा करता लेकिन मैं तुमको इतनी बदतमीज और इतनी बेवफाई नहीं। ए सरिता और गले से हंस के गले से लगा लूं ऐसे नहीं मानोगी। ए सरिता रास्ता छोड़ो। सरिता जी क्या कहा दोस्त। ए सरिता जी तुम्हारी कसम 400 तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ 440 रास्ता छोड़ो हमें जाना है। नहीं 880 करंट लगाते। ए सरिता जी फिर सॉरी रास्ता छोड़ो तो मेरा ऐसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ोगी। एक काम बताएं। बोलो आप कहते हो मैं आपकी
पिता का वफादार नौकर हूँ। सच है, ये करता रहा हूँ, वो करता रहा हूँ। बताओ ना, जिसका नमक खाया हूँ, जिसका नमक खाया हूँ, नमक हरामी नहीं करूंगा। और सरता मैं तुम्हारे से मोहब्बत। कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो। बोलो, खाली या कहते ले लू क्या? चुम्मी या कहते चुम्मी ले लू। चुम्मी का नाम पहले लिया करो। हाँ। मानोगे नहीं? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगा। मैं भी फिर जिद्दी लड़की हूँ, देखता हूँ कितनी जिद्दी। झारो पाछो कही ना। हाँ। अभी पता नहीं कब तक गन्ना तो क्या 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 है? खंजर। खंजर है? हाँ। तुम डरावना है, तुम नहीं खाती ना है। अच्छे। हाँ हाँ। अगर जे प्यार नहीं करोगी अच्छे तो खंजर मार करके मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे सरिता, जान देना है तो जल्दी दो है? अभी तुम्हारे जान की हमें परवाह नहीं है। ए, मैं नंबर एक, नंबर दो, हाँ नंबर तीन पे अपनी जान दूंगी। अरे जल्दी मरो। सूरज बोलो। नंबर एक। अच्छा, नंबर डेढ़। हाँ। मान जाओ। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। नंबर एक। अच्छे। नंबर दो। हाँ। नंबर ढाई। अच्छे। कत्ता बच्चा है? आधा। आधा हमारे कही दियो। अरे भैया कही दी बात, तुम पुलप्पर मिली हो? पुलप्पर आधा का बात का है? तुम्हारे नाई हजम हुई बात का है? ये हम ते करती नाई, प्यार नाई करती। प्याज नहीं, लहसुन। प्यार क्या? हस सारे बैला। क्या रे? हस सारे मेहरा। तने कितने सिलमडा सीसी ख्याल थे। अच्छा, और तुमका सारे अंडू बदे खुशबू नहीं आवे? अरे क्या कहना क्या चाहते रे? हमारे यहाँ पुरखा कहावत कहा करते हैं भैया। कौन सी कहावत? वो हमारे आखिरी समय आई गए। अरे कौन सी कहावत रे? तुमका बनिया वाओ पुराण बताओ। ऊपर जाए बताओगे नहीं तो गलत। ऐसे देख सारे, हमारे पुरखा कहावत यह कहा करते रहे, तोंदी खोल, तोंदी खोल बगल खजुआ हुए। हाँ। तोंदी खोल बगल खजुआ हुए। हाँ। और तहूं सा लौंडा नजर कर लौंडा ढोड़। हाँ। नंबर दो। अच्छे। बच करो, बच करो, और सरिता प्यारी सुनो बात। और सरिता प्यारी सुनो, प्यार करने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे आप हंस के गले से लगा। आज अगर जो तुम नहीं मांगते तो मेरी जान ही चली जाती। अरे नहीं, चलो शुक्र है भगवान का तुम। सरिता, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पिता का नौकर हूँ, लेकिन नौकर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता तो बचपन से तुम्हें था, लेकिन मैं नौकर के हैसियत से तुमसे प्यार का इजहार न कर सका। लेकिन सूरज बोलो, मैं तो आपकी प्यार की चक्कर में पड़ती। हाँ हाँ। मैं तो भूल ही गई कि मैं जा कहाँ के लिए रही थी। आप हरी पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। आपको मालूम है कि तुमने सीआईडी, सीआईडी का कोर्स करके भोपाल जा रही हो, और सीआईडी इंस्पेक्टर बन के आओगी। पता नहीं किस भेष में और किस देश में आओगी। कभी हो सके तो हमको भी कड़ी लगा था। अरे नहीं सूरत, मैं पागल थोड़ी हूँ, लेकिन अब प्यार की बात नहीं बस। यार पहले बताइए कि सीआईडी के कोई कपड़े नहीं होते हैं, किस भेष में आ जाओ,
किस रिवाज में आ जाए, पता ना पता अपने बाप को या अपनी मोहब्बत को फंसा जाए। आपका कहना तो सही है, हाँ, लेकिन सैदी भी सोचती है। बोलो। सजा उसी को देती है जो गुनहगार होता है। सच कहती हूँ, बेकसूरों को नहीं। अच्छा सूरज, बोलो। तो काफी समय हो गया, अगर तो मैं आपके बातों में पड़ी रहूंगी तो मेरी ट्रेन भी छूट जाए। सच कहती हूँ, है ना? बोलो। इसीलिए पास आया, छोड़ के जाने के लिए तो नहीं कह रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है यार। वापस आऊंगी, वापस आऊंगी तो सारे रसगुल्ले खाऊंगी। सूरज, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, सूरज, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो दुनिया की हो भैया, ठकुरा लोगन नौकरी हम होना करीबा, भले के यहाँ कहूँ जा सीतापुर में रिक्शा हो गए मगर नौकरी ना करीबा। और रिक्शा कहा हो गए बा, जैबा थाने के यहाँ हुए चौकी दरी करीब, हुए माठा पे हुए चेला भरीबा और हुए पड़े रहीबा। यह ठाकुर बिकराल सिंह कहा लग वरे नौकरवा, हम कर कहा है मालिक, कह वरे वजन गन्ना खड़ा है 20 बीघा पेड़ी उजाऊ का फूक दे जाए। अब भैया पेड़ी तो उनकी छुली पड़ी रहे, हम कहे 60 बीघा इनका बवारी गन्ना खड़ा रहा है, जाए कहिया वह माचिस खरीदे हैं सब फूक दे हैं। अब पर्ची रहे ना यार भैया, छोटे ठाकुर उन्होंने भतीजिए काला गोरे नौकरवा, हम कहा मालिक कहा जा सारे तलवा पड़ते भैंस नहा लाओ, तुम का बताइए 60,000 की भैंस गाभिन ला रहे हैं, वो रखते रहा लेकिन तलवा पर अब वरारी पर खड़ी करन, अब या का कोंख घाल लाठी मारे ना या कम चोलो डारी गई दूध खोई ना दूध ने सर मार 12 खा लिए। अब जा रहे थाने कही हाँ, अब हुए चौकीदार कही बा हुए माठा पे हुए पड़े रही बा नौकर में कही बा मास्टर